में था उसके। Here we go. Have a nice day. Thank you. तो हमारा जो प्लेन है ना वो ब्रिटिश एयरवे है और ये हमारी हमकला और यहाँ पे लगे हुए हैं तीन चार एक ही साथ जो है ना फ्लाइट्स लगी हुई हैं तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर। हमारी वैसे फ़्लाइट 11:45 है लेकिन अभी तो 10:45 हुए हैं लेकिन इन्होंने जल्दी हमें निकाल दिया है। लगता है जहाज़ भी रेडी था और इनके पैसेंजर्स भी सभी इन्होंने चेक कर लिया था। ये लोग ये अराइवल का है और वो पीछे जहाँ से हम आए हैं वो डिपार्चर का है और तो जी हम लोग रवां दवा हैं हमारे सफ़र की तरफ। अल्लाह पाक खैरियत से ले जाए इंशाल्लाह, खैरियत से हम वापस अपने घर में पहुँच जाएँ। ये हमारा है ब्रिटिश एयरवे का और ये दूसरा लगा हुआ है और वो दूसरे जहाज़ हैं। सारे लगेज जो है ना वो लोडिंग हो रहे हैं। ये जो है ना ब्रिटिश देखें क्लब यूरो है यहाँ पर आप देखें तो बिल्कुल वो नॉर्मल सीट है। इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ मुझे नहीं लगी है कि यहाँ पर कोई ख़ास चीज़ हो। सीटें बिल्कुल भी बिल्कुल वो जो है ना नॉर्मल सीटिंग जैसे है, बस हम डोर के पास हैं। ये भाई साहब ने ना सिग्नल दे दिया है जाने के लिए और वो टायर के आगे खड़ी थी वो भी चल निकल गई यहाँ से और अब हमारा जहाज़ रेडी है टेक ऑफ करने के लिए। और ये अगाडिर का एयरपोर्ट है और मैं आपको ये बताती चलूँ कि यहाँ पर हम आ गए थे बिल्कुल टाइम पर और आधा घंटा पहले ही सब जो है ना जहाज़ में इन लोगों ने सबको बोर्डिंग कर दिया था। बोर्डिंग हो चुकी हुई थी, लगेज भी रख दिया था। बिल्कुल आधा घंटा जो है ना हमने जहाज़ में बैठ कर वेट किया टेक ऑफ करने के लिए। और ये रहा जी हमारा मोरक्को का ट्रिप। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हम सब ने माशाल्लाह से। तो हम मोरक्को को बाय बाय करने लगे हैं यहाँ पर क्योंकि हमारा जहाज से अब चल पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जहाज़ चल पड़ा है और जितने भी परदेसी हैं मेरी दुआ है अल्लाह पाक उन सबको खैरियत से जो है ना अपने अपने वतनों में लेकर आए। जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो खैरियत से जाएं, खैरियत से वापस आएं और जो लोग सफ़र करना चाहते हैं अल्लाह पाक उनकी दिली दुआएं और मुरादों को पूरा करें और उनके लिए सफ़र में कामयाबी और आसानियाँ अता फरमाएँ। और मेरी दुआ है सबके लिए जो जो नियत कर रहे हैं, ये जिन्होंने नियत की है सफ़र करने की, हिजरत करने की, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए, अल्लाह पाक उन सब की जो है ना वो दुआओं को पूरा फरमाए, उनके लिए आसानियां फरमाए और उनको भी खैर खैरियत से ले जाए और आगे की मंजिलें उनके लिए आसान फरमाए और उनको तरक्कियां और कामयाबियां अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी में खूब सारे सुकून अता फरमाए। और मेरी दुआ सारे रास्ते रहेगी इंशाल्लाह आप सब के लिए, जितने भी मेरे व्लॉगर्स देखने वाले व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं, जो उन सब के लिए जो है ना मैं अपनी दुआओं में हैं, वो मेरी दुआओं में रहेंगे इंशाल्लाह सारे रास्ते सारे सफ़र। और आप सब भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप सब के लिए कौन कौन सी दुआ है जो आप करना चाहते हैं। और ये एरोप्लेन जो है ना वो अपनी पूरी रफ्तार से चल रहा है टेक ऑफ करने के लिए।
ये जी यहाँ से टर्न ले रहा है एरोप्लेन, पहले बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा था, अब यहाँ से इसने टर्न ले लिया है और एरोप्लेन अभी बहुत स्पीड पकड़ ली है इसने और अब उड़ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड से अब जो है ना एरोप्लेन अब चल रहा है और अब ज़मीन से ऊपर उठने लगा है। ये हम अब ज़मीन से ऊपर आ चुके हैं। इन्होंने हमें एरोप्लेन में खाना दिया है और ये मुझे चिकन बिरयानी लग रही है, कुछ फ्रूट है, सैलेड है साथ में और ये सनफ्लावर बटर है और इसमें जो है ना डिज़र्ट है, चॉकलेट मूस है ये, और बिरयानी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये इन्होंने दिया है स्पून कटलरी है इसके अंदर और बहुत ही खूबसूरत सा क्यूट सा जो है ना ये ग्लास का कप है, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हमारा जो है ना एरोप्लेन का मील है, ग्लास का कप है, फ्रूट्स हैं और इसमें जो है ना वो कटलरी है। चलिए मैं खाकर आपको बताती हूँ इसका रिव्यू। इनकी बिरयानी का जो राइस है ना वो तो हमारी खिचड़ी का राइस जैसा लेकिन मज़े का है। बिरयानी की आप इसको कॉपी कह सकते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं जो हम लोग घरों में ख्वातीन बनाती हैं, बट नाइस अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स नाइस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम जो है ना यूके लैंड करने वाले हैं, यूके एरिया में आ चुके हैं हम। वहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत से बादल जो है ना वो चाह रहे हैं और नीचे ज़मीन है, ऊपर आसमान, ऊपर बादल उड़ रहे हैं। हमारा जहाज़ थोड़ा सा हम्पी हम्पी हो रहा है और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और बस हम 5-10 मिनट में जो है ना इंशाल्लाह हम लैंड करने वाले हैं। तो मैं अगर आपको ऊपर से दिखाऊँ तो यूके जो है ना वो ऊपर से ऐसा नज़र आता है दिखने में, और ये देखें ये है जी यूके एयरपोर्ट पे जो है ना ये जहाज़ थोड़ा सा घूम रहा है और जो हमारे आने वाले हैं पहली दफ़ा यूके में वो देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कैसा है। और हम लैंडिंग करने वाले हैं और ये सरजमीन है यूनाइटेड किंगडम की और लंदन गैटविक एयरपोर्ट पे हमारा जहाज़ जो ना लैंड करने वाला है। ये नीचे सारे हाउसिंग है और ग्रीनी ग्रीनी है सारी, और देखिए कितनी खूबसूरत जो है ना यहाँ पे ग्रीनी है।
ऊपर से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है जहाँ जो नीचे गाड़ियाँ हैं ना वो टॉय कार जैसी लगती हैं, और जो घर हैं ऐसे लगते हैं जैसे टॉयज रखे हैं। और नियरली हम बहुत क्लोज हैं अभी ज़मीन को छूने के लिए। और यहाँ भी ये देखिए कितनी ग्रीनी ग्रीनी है, सब्जा है यहाँ पर। और देखते रहिए मेरे साथ कि जो है ना यूके की लैंडिंग जो है वहाँ पर इस ज़मीन पे क्या है। हम जब मोरक्को पे उतरे थे तो वहाँ पे सारे पहाड़ पहाड़ थे और पहाड़ों के ऊपर दरख्त थे, लेकिन यहाँ पर ये देखें सारी ग्रीनी एरिया है, सभी जगह पे ग्रीन ही ग्रीन है। और साथ में घर बने हुए हैं, दरख्त हैं यहाँ पर। मेरे साथ जुड़े रहिए खूबसूरत मंज़र देखने के लिए। और अगर आप आसमान पर देखें तो बादल हैं ऊपर, ये देखें ये बादल हैं, काले काले बादल हैं ऊपर। और ये देखें नीचे, अब ये मेन रोड है, मोटरवे है ये वाली, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम हो रहा है। ये सारे जंगलात जैसे हैं और हम बस बहुत करीब पहुँच चुके हैं ज़मीन के। और ये देखें ये गाड़ियाँ ऐसे लग रही हैं जैसे टॉयज हैं। ये सारा एक्चुअली एयरपोर्ट के जो है ना कार पार्किंग है यहाँ पर। ये देखें टॉयज जैसी लग रही हैं ना गाड़ियाँ, बाकी ये सब जो है ना ये एयरपोर्ट का एरिया है। और जी हम छूने लगे हैं ज़मीन को एक दो मिनट में। 1% बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हम ज़मीन पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। जहाज़ इतना स्मूथली आया है, इतना स्मूथली है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये थी हमारी लैंडिंग यूके में। देखा आपने, आपको मैंने लाइव लैंडिंग होते हुए दिखाया कि हमारा एरोप्लेन कैसे लैंड किया है, और बहुत ही स्मूथली लैंड हुआ है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई डर नहीं लगा, कोई झटके नहीं लगे, लेकिन जो टायर जब ज़मीन के साथ टच करता है इतनी ऊंचाई से आते हुए, थोड़ा बहुत तो ज़मीन के साथ सारी बातें जब लगते हैं तो थोड़ा सा तो फील होता ही है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का, बस आज हम अपने वतन अपने घर वापस पहुँच गए हैं। अभी घर भी चले जाएंगे इंशाल्लाह, तो चलते मिलते हैं फिर इंशाल्लाह घर जाके आपसे बात होती है। आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म होता है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू न्यू ब्लॉग्स देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। Thank you very much for today. Doors to manual cross check. Doors to manual. I don't understand. हम इंतज़ार कर रहे हैं, अभी ये दरवाज़ा खोलेंगे और पायलट से आ गए हैं। फोटो बनानी पायलट के साथ। अच्छा मैं सबसे पहले गेट के पास खड़े हो चुके हैं, ये गेट खुलेगा अभी। और जी ये देखें ये है बाहर का एयरपोर्ट, हम आके हैं यहाँ पर। और अभी यहाँ पर सभी जो लगना बस एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं और फिर अपना लगेज लेंगे यहाँ से। शीगी वाला प्लेन था ब्रिटिश एयरवेज जहाँ पर हम आए, और हमारे लगेज निकल रहे हैं बाहर, और वो जहाज़ यहाँ पर लैंड करते रहे कर रहे हैं। और यहाँ पर देखें हम जा रहे हैं एयरपोर्ट में अपना लगेज क्लेम करने के लिए जा रहे हैं, और बस एग्ज़िट की तरफ जा रहे हैं अभी हम।